अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप सबके ठीक हैं? पहले तो मैं आप सबका बहुत बड़ा एक थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप सब ने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, बहुत इनकरेजिंग कमेंट्स दिए. इट वाज अ बिग बूस्ट फॉर मी एंड इंशाल्लाह मुझे इस चीज़ से ये भी बहुत एक ताकत मिलती है कि मैं अपना अगला एपिसोड जो है पहले से और इंटरेस्टिंग बनाऊँ. तो आप में से जिसने मेरी टीज़र की वीडियो देखी, आपको पता होगा कि हम इस एपिसोड में जो पोजेशन होती है किसी के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे. जो पहला वाक्या है वो मेरी अपनी आँखों का देखा हुआ है. मैंने एक लड़की को देखा जिस पे पोजेशन थी. जो दूसरा वाक्या है वो भी बिल्कुल अथेंटिक असली है और वो मेरी अपनी एक बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है फायज़ा, उनके साथ पेश आया था. F11-1 का एक घर जिसमें वो रहती थी. तो पहले मैं आपके साथ अपना आँखों देखा जो हाल है वो शेयर करती हूँ. एक हमारे बहुत अच्छे एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हैं, उनका नाम है शाह साहब. उनके पास बहुत लोग अपनी देखें प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं और अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, दुआ करते हैं और दम वगैरह करते हैं. तो ये आज से कोई 7-8 साल पहले की बात है. तो मैं वहाँ गई हुई थी तो एक वहाँ लड़की जो थी, यंग सी लड़की थी, वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ आती थी, यंग सा कपल. तो शाह साहब जो थे वो उस पर बैठे हुए दम कर रहे थे. एकदम वो लड़की ना घबरा के पीछे, और उसने चीखना शुरू कर दिया, मैंने नहीं दम कराना, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे. तो अब हम सब जो पीछे बैठे थे, हम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये उसने ऐसे क्यों किया, और हम सब बहुत डर गए. तो खैर शाह साहब उठे, वो उसको उसके बाजू से पकड़ के अपने पास लेके आए. और आप यकीन करें कि उस लड़की की जो आवाज़ थी वो हम लोगों के सामने बिल्कुल बदल गई. और उसने पूरी एक 15-20 मिनट की कन्वर्सेशन की शाह साहब से, और उसकी जो बोलने का तरीका था, मैं आऊँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा. मैं उस वक्त सिर्फ ये एक चीज़ सोच रही थी कि देखें उसकी जो शक्ल और उसकी आँखें हैं ना, हम लोग नहीं देख सकते. हमारी तरफ उसकी कमर थी, उसकी आंखों में पता नहीं देखें क्या होगा, क्या कुछ होगा कि जो सिर्फ शाह साहब जो हैं वो देख पा रहे थे. पहले पहल वो जो भी पोजेशन थी उसके अंदर, वो बहुत गु़स्से में थी. उसने अल्लाह माफ़ करे काफ़ी गालियाँ शालियाँ दी शाह साहब को, बुरा वाला का. लेकिन वो उससे आराम से उसको सूट डाउन करते रहे, उससे बात करते रहे. उसको बोला कि आप कलमा पढ़ें, आप कुल वल्लाह वाहद पढ़ें, मुझे बताएं क्या मसला है. तो पहले तो कोई 5-10 मिनट वो बहुत गु़स्से में था. उसने चीखना चिंगारना शुरू किया और उसने कहा कि मैं इसको भी खा जाऊंगा, सबको खा जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. आहिस्ता आहिस्ता उसको शाह साहब ने काम डाउन किया और हम लोग पीछे जो है ना एक स्टैचू की तरह बैठे हुए थे. हम सबको सांप सूंघ गया था, एक आवाज़ नहीं थी उस कमरे में. फिर शाह साहब ने उससे बात शुरू की और उन्होंने कहा कि देखो तुम क्यों इसको तंग करते हो, इतने सालों से तुम इसके ऊपर हो और इसके शादी हो गई है, इसके बच्चे हैं, इसको छोड़ दो. तो उसने कहा कि देखिए ये बात मेरे बस में नहीं है. मुझे कोई पीछे से बुलाता है, समन करता है, मुझे जाना पड़ता है. मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, मेरी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है. और लिटरली मुझे जो है ना, उस जब उसने ये इस तरह की बात शुरू की, थोड़ा तर्ज भी आया. और उसने कहा कि देखें आप ऐसा करें, आप ना मुझे ख़त्म कर दें, या तो आप मुझे अपने पास रख लें या मुझे ख़त्म कर दें, जला दें, वरना मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी. जब जब मुझे पीछे से बुलाया जाएगा, समन किया जाएगा, मैं इसके ऊपर आऊँगा. खैर शाह साहब जो हैं वो कंटिन्यूस आयतें वगैरह पढ़ते रहे, उसको दम किया हुआ पानी पिलाते रहे पिलाते रहे. कम से कम आधा घंटा इस प्रोसीजर में लगा और आधे घंटे के बाद वो नॉर्मल हुई. एंड लिटरली जब वो उस सिचुएशन से बाहर आई, उसको कुछ याद नहीं था, वो फिर नॉर्मल हो गई. और हम सब पीछे ना उसकी शक्ल देख रहे हैं कि ये मतलब व्हाट जस्ट हैपन्ड, ये हुआ क्या. आप यकीन करें वो दो साइड्स थी, एक पे औरतें बैठती हैं, एक पे मर्द, बीच में पर्दा सा लगा हुआ है, पिन ड्रॉप साइलेंस था. फिर जब वो स्टेट से बाहर आई तो शाह साहब ने कहा, अच्छा बेटा बताओ आपको कैसा फ़ील हो रहा है? उसने कहा, मुझे बहुत हल्का फ़ील हो रहा है, पहले बहुत मैं भारी फ़ील कर रही थी. तो शाह साहब ने उसके मियाँ को बुलाया. और देखें अल्लाह वालों की अपनी बातें होती हैं. मैं
कौन सही है कौन गलत, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती। मैंने आप अपने आँखों से जो देखा, मैं बस आपको वो बयान कर रही हूँ। तो उन्होंने उसको कहा, उसके मियाँ को कहा कि देखो बेटा, आप इसको जो है हज़रत बरी इमाम साहब का जो है मज़ार, वहाँ लेके जाओ, वहाँ फातिहा वगैरह पढ़ो, और इसको जो है ना आप जाओ, मैंने इस पे दम वगैरह किया। तो जब वो लड़की वहाँ से चली गई, तो फिर शाह साहब ने हमें थोड़ी उसकी हिस्ट्री बताई कि इसके ऊपर ये बहुत पुराना प्रॉब्लम है, शादी से पहले का इसके ऊपर ये प्रॉब्लम है। और इसने एक दफ़ा, इसके उसके तीन बच्चे थे, तो उसका जो चौथा बच्चा था वो न्यूली बॉर्न था, तो वो किसी और शहर गई जहाँ उसकी नंदे रहती थी। उन्होंने कहा कि चलो अब एक दो महीने का हो गया, हमें अपना भतीजा तो दिखाओ ज़रा आके। वो उसको अपने सीने से लगा के बैठी रही, जाहिर है किसी ने शक भी नहीं किया, माँ है और न्यूली बॉर्न बच्चा है, कौन शक करेगा कि क्या कर रही है। उसने उस बच्चे को अपने वो सीने से लगा के बैठी रही, और जब वो उस शहर पहुँचे जहाँ उसकी नंदें थीं, वहाँ जब उन्होंने देखा वो बच्चा मर चुका था। और शाह साहब के अल्फाज थे कि उसके अंदर फिर से वो पोजेशन आई, और उसने बच्चे को इतनी ज़ोर से यूं करके दबाया कि उस छोटे मासूम बच्चे का दम घुट गया। तो उस दिन मुझे, आपको पता है, मैंने जब फर्स्ट टाइम ये देखा तो मुझे यकीन आया कि देखें, लोगों के साथ ना बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जब तक आपके ऊपर ये चीज़ ना गुजरे ना, आप शायद इस पर यकीन ना करें। तो अल्लाह ताला हमें इन सब चीज़ों से महफूज रखे, आमीन। अच्छा जी, जो दूसरा इंसिडेंट है वो F11-1 में एक घर है कॉर्नर का, और जो मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी मेरी दोस्त है फायज़ा, मैंने उनकी परमिशन से, मैंने कहा कि मैं आपका नाम और अगर सेक्टर बताना चाहूँ, उन्होंने कहा जी ज़रूर बताएं। ये उनके साथ हुआ। उनका भी थोड़ा ये था कि जब वो इस घर में शिफ्ट हुई, तो देखें वही वाली बात के इतना, मतलब आपने जब कोई अपनी आँखों से नहीं देखी हो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ऊपर का पोर्शन था, और फायज़ा ने हमें बताया कि देखें ऐसा कुछ उसमें मसला था कि उस घर की बुनियादें जो हैं बहुत पहले डल गई थी, और फिर किसी भी रीज़न की वजह से वो घर एक दो साल तक नहीं बना, सिर्फ बुनियादें पड़ी रहीं। उसके बाद वो ऊपर का उन्होंने पोर्शन पहले बनाया, और उन्होंने जो नीचे वाला पोर्शन है वो नहीं बनाया, और उसी के साथ वाले घर में शायद उनकी मालिक मकान रहती थी, लैंड लेडी रहती थी। तो फायज़ा की दो बेटियां थी, माशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी दे, अब माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं। छोटी बेटी उस वक्त 6 months टू आई थिंक 1 year की रेंज में थी, और बड़ी बेटी भी हाल में शायद 3-4 साल की थी। तो फायज़ा ने कहा कि मतलब ऐसे अच्छा पोर्शन था, एक मतलब कमरा उनका अपना बेडरूम था, एक उन्होंने बच्चियों के लिए सेट वगैरह किया। तो फायज़ा ने कहा कि मैंने नोट करना शुरू किया, छोटी बेटी का नाम आयज़ा है, वो बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा। चले एक तो देखें बच्चे रोते ही हैं ना, फायज़ा ने नोट किया कि वो हद से ज़्यादा रोती थी, और उसने खाना पीना आप यकीन करें बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल इतना बंद कर दिया कि फायज़ा गॉट अलार्म्ड कि मेरी बच्ची जो है वो तो मतलब बिल्कुल फके कर रही है। खैर उन्होंने उन बच्चियों की केयर के लिए एक छोटी एक लड़की भी रखी एज अ मेड, कि भाई आपने इनके साथ रहना है, ये करना है, वो करना है। तो थोड़े दिनों बाद ना उस मेड के साथ वो बच्चियाँ खेल रही थी, तो फायज़ा कमरे में आई, तो बड़ी वाली बेटी ने कहा कि अम्मी आपको पता है अभी ये जो मेड है ना, इसने यहाँ एक जो है ना वो बच्चे खेलते हुए देखे, एक औरत भी यहाँ से गुजरी है। अच्छा, फायज़ा को ना इस बात पे बहुत गुस्सा आया कि देखो मेरी बच्चियों को डरा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। उसको इतना गुस्सा आया कि उसने उस मेड को जो है ना फायर कर दिया कि तुम प्लीज़ जाओ, और अब हमें ना तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर एक और जो डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि आयज़ा जो थी उसके बॉडी पे स्क्रैचेस पड़ने शुरू हो गए, जिस बकायदा किसी ने स्क्रैच किया। इट वाज अगेन अनएक्सप्लेनेबल कि कौन स्क्रैच कर रहा है, कौन था घर में। तो खैर एनीवेज फायज़ा ने कहा कि मैं उसको शिफा हॉस्पिटल में लेके गई, और जब वहाँ के डॉक्टर्स ने वो स्क्रैचेस देखे तो वो तो किसी और ही शक में पड़ गए। उन्होंने फायज़ा के हस्बैंड को अलग से बुलाया और कहा कि आपकी जो बीवी है उनके साथ कोई साइकोलॉजिकल मसला है, इज़ शी अब्यूजिंग हर चाइल्ड, ये स्क्रैचेस कहाँ से आए हैं, कौन है आपके घर में, कौन होता है। तो खैर फायज़ा के हस्बैंड ने कहा नहीं देखें जी ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, घर में मैं होता हूँ, मेरी बीवी,
एक दोनों बच्ची हैं और कोई भी नहीं है. तो द डॉक्टर्स वर वेरी सस्पिशियस. और अभी तक फाइजर ने ना ये सारी बात किसी से शेयर नहीं की थी. तो फाइजर ने फिर फाइनली अपनी अम्मी को फ़ोन किया जब उसने कहा कि मतलब निमरा मेरी बेटी बिकेम हाफ स्टार्व्ड और स्क्रैचेस वर स्टिल अपेयरिंग ऑन हर, शी रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग. अम्मी आई फाइजर की, उन्होंने कहा कि मैं इस कमरे में ना बच्चियों के साथ रहूँगी और लेट्स सी कि क्या चीज़ है क्या है. अगले दिन फायज़ा की अम्मी ने बताया कि फायज़ा मैंने भी किसी को देखा है, कोई औरत है साथ उसके बच्चे हैं, वो यहाँ से गुजरे. पर उनको पिंडी में किसी अल्लाह वाले का किसी आलिम का पता बताया. और फायज़ा ने कहा निमरा वो पहली दफ़ा था कि मैं किसी आलिम के पास इस तरह गई. खैर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से अपनी पढ़ाई वगैरह के हिसाब लगाया. उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ जो है ना बहुत सारे जिन रहते हैं, दे आर नॉट हैप्पी दैट यू आर लिविंग हियर. तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप ये छोड़ दें जगह. तो फायज़ा फ़ौरन वापस आई, उसने अपनी लैंड लेडी को बताया. और आप यकीन करें उस लैंड लेडी को ये बात पता थी और उसने आगे से बिल्कुल ऐसे शो किया नहीं नहीं हाँ देखें जी ऐसा मसला था. तो अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है. और फायज़ा को उस घर में आए हुए एक डेढ़ महीना हुआ था हार्डली. आपको पता है जब आप किसी घर में आते हैं आप 6 मंथ्स का मोस्टली रेंट एडवांस में दे देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं. तो फायज़ा वॉज सो डिस्टर्ब, उसने कहा कि मैं इस घर में अब एक और रात भी नहीं गुजारूंगी. और उसने कहा, उसने लैंड लेडी को बोला भी देखें ये आपकी ज़िम्मेदारी थी, आपने सिर्फ अपने पैसों के लिए मेरी बच्ची की जान खतरे में डाली है. तो खैर उन्होंने कहा कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया. उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं आपको ना आपकी सिक्योरिटी दूँगी ना कुछ दूँगी, एग्रीमेंट के मुताबिक आपने जो करना है करना. फायज़ा ने कहा कि फिर उस वक्त तो मुझे यही, मुझे अपनी बच्ची की जान ज़्यादा अजीज़ थी तो मैंने जो है अपने हस्बैंड से कहा कि आप प्लीज़ कोई और पोर्शन ढूँढें, मैं इस घर में एक रात भी नहीं गुजार सकती. और सब कुछ देखिए उनकी आंखों के सामने था, कोई चीज़ मेड अप नहीं थी. तो फायज़ा ने ये ज़रूर कहा कि मैंने बाकी मोहल्ले वालों से भी जाके कहा कि देखिए आपको भी पता होगा कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दिस प्लेस. लेकिन देखिए आपको जब ऐसी जगहों पे आप जाएँ ना, आपको वैसे भी आपने नोट किया होगा कि आपको वाइब्स आती हैं हर जगह से, कहीं से आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, कहीं से आपको बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हैं. तो खैर फायज़ा लेफ्ट दैट प्लेस अभी और देन शी शिफ्टेड टू E11. लेकिन वो कहती है कि मैं वो वक्त और वो टाइम नहीं भूल सकती जब मेरी बच्ची जो थी ना जो उसका हशर हुआ था. अब माशाल्लाह शी इज़ हेल एंड हार्टी द मोमेंट दे लेफ्ट दैट प्लेस, शी बिकेम फाइन. तो ये जी आज के मेरे दो एपिसोड्स थे. आपको पीछे मेरी कैट भी नज़र आ रही होगी जी, वाइट कलर की, अभी ये छुपा हुआ है. कभी इंशाल्लाह आपको मैं इसका पूरा भी ग्लिम्प्स दिखाऊंगी. तो आई होप यू लाइक द सेकेंड एपिसोड. प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. और इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम एक और मज़े के एपिसोड के साथ जो है मिलेंगे. तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और कोई मसला हो बस अल्लाह ताला से कहें, दैट्स इट. ठीक है, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.